जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बाजार में बहुत सारे तरल खाद उपलब्ध हैं और कई जैविक खाद भी तरल में उपलब्ध हैं, लेकिन दोस्तों आप कुछ जैविक खाद घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसमें कोई लागत भी नहीं लगती है और हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो जो किसान भाई तरल खाद का प्रयोग करना चाहते हैं और अपनी खेती को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो ये कई ऐसे तरल पदार्थ हैं जिन तरीकों से आप बना सकते हैं। आइए हम इन्हीं के बारे में जानते हैं, इनको कैसे बनाया जाना है और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा अनेक प्रकार के तरल खाद तैयार किए जा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई किसान इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो ये कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या सामग्री होती है, आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जिसमें है पहला संजीवक, दूसरा है जीवामृत, तीसरा है अमृत पानी और चौथा है पंचगव्य। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले संजीवक से। संजीवक तरल खाद बनाने के लिए आपको 100 किलोग्राम गाय का गोबर, 100 लीटर गौमूत्र तथा 500 ग्राम गुड़ को 500 लीटर वाले मात्रा में जो बर्तन हो उसमें 300 लीटर पानी मिलाकर और उसमें ये सभी सामग्री मिलाकर 10 दिन के लिए रख दें। 10 दिन बाद इसमें 20 गुना पानी मिलाकर एक एकड़ क्षेत्र में मिट्टी पर यानी कि मृदा पर स्प्रे कर दें, या फिर आप सिंचाई के जल के साथ इसका प्रयोग करें। दूसरा है दोस्तों जीवामृत। जीवामृत बनाने के लिए आपको चाहिए 10 किलोग्राम गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़ तथा 1 किलोग्राम किसी दाल का आटा और तथा कुछ थोड़ा जीवंत मृदा चाहिए होता है। इसको करना क्या है, आप 200 लीटर जल में मिलाकर आप इसको रख दें 5-7 दिनों तक और इसको सड़ने दें। नियमित रूप से इसमें 3-4 बार लगभग पर डे इसको हिलाते रहें और ये जो है घोल एक एकड़ क्षेत्र के लिए सिंचाई के साथ प्रयोग करें तो हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं अमृत पानी। अमृत पानी के लिए आपको 500 ग्राम शहद की ज़रूरत होती है, 10 किलोग्राम गाय के गोबर की ज़रूरत होती है और इन दोनों को इतना फेंटें कि एक पेस्ट बन जाए। इसके बाद इसमें आप 250 ग्राम लगभग गाय का देसी घी मिला दें और इसको तेज़ी से मिलाएं और इसे 200 लीटर पानी में घोल बना दें। इस घोल को आप एक एकड़ ज़मीन पर छिड़काव कर सकते हैं या सिंचाई वाले पानी के साथ इसको फैला दें। 30 दिनों के बाद इसका दूसरी खुराक भी खेतों में प्रयोग करें और पौधों की कतारों के बीच में भी इसकी छिड़काव या सिंचाई करके पानी के साथ फैला दें। ये भी ज़मीन के लिए काफ़ी कारगर होती है और हमारी फसलें भी काफ़ी अच्छी होती हैं। अब हम जानते हैं दूसरा तरल खाद पंचगव्य। पंचगव्य में क्या करना होता है, 5 किलोग्राम गाय का गोबर, 3 लीटर गाय का दूध और 2 लीटर गाय का दही और गाय के दूध से बना मक्खन 1 किलोग्राम तथा 7 दिनों के लिए सड़ने को रख दें और इसे रोज दिन में 2 बार हिलाएं। 7-8 दिन में ये तैयार हो जाएगा और इसका 3 लीटर पंचगव्य को आप 100 लीटर पानी में मिला दें और मृदा पर छिड़क दें। सिंचाई के पानी के साथ भी आप इसका मिलाकर 20 लीटर पंचगव्य को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। ये भी हमारी खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये जो भी घोल हैं किसान भाई, काफ़ी फायदेमंद हैं और इसमें ना तो कोई लागत लगती है और ना ही बनाने में कोई झंझट है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि बहुत ही साधारण तरीके से ये हमारे तरल जैविक खाद तैयार किए जा सकते हैं। तो जो किसान भाई इस तरल जैविक खाद का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये तरीके से आप तरल जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे ज़मीन के लिए काफ़ी बेहतर होता है और हमारी ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।